हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत इस वीडियो में। मैं हूं यशस्वी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ओवरक्लॉकिंग के बारे में कि आखिर ओवरक्लॉकिंग होता क्या है, इसे हम कैसे करते हैं और आपको ओवरक्लॉकिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर पीसी को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते कि आखिर ओवरक्लॉकिंग होता क्या है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ओवरक्लॉकिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उसके स्पेसिफिकेशन से बाहर आकर, यानी जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी पर काम करने के लिए मजबूर करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस पा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उन सभी में माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कि आपका टैबलेट पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, गेमिंग कंसोल हो गया या फिर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उन सभी में माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जो कि उस डिवाइस के दिमाग की तरह काम करते हैं और सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कई चीज़ों द्वारा डिसाइड होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कई चीज़ द्वारा डिसाइड होती है, जैसे कि वो किस आर्किटेक्चर पर काम कर रहा है, वो किस डिज़ाइन को सपोर्ट कर रहा है, वो किस चिपसेट को सपोर्ट कर रहा है और उस माइक्रो प्रोसेसर की कितनी क्लॉक स्पीड है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि उसका कितना परफॉर्मेंस होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बात की क्लॉक स्पीड के बारे में और ये जो ओवरक्लॉकिंग है ये इसी क्लॉक स्पीड से रिलेटेड है। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में कि आखिर ये क्लॉक स्पीड होता क्या है। तो क्लॉक स्पीड का सिंपल मतलब होता है कि आपका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर में क्लॉक होता है, वो एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है। जितने ज़्यादा साइकिल्स कंप्लीट करेगा उतना आपका जो प्रोसेसर है वो पावरफुल होगा। तो अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साइकिल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो क्लॉक होता है वो 0 1 0 1 इस तरह के पैटर्न में घूमते रहता है, 0 से 1 1 से 0 0 से 1 1 से 0। तो जब एक बार 0 के वैल्यू पर वो रहता है तो फिर 1 के वैल्यू पर जाता है और फिर 1 से वापस जब 0 पर आता है तो इसे एक साइकिल कहा जाता है, यानी 0 से 1 और फिर 1 से 0, तो ये एक साइकिल हुआ। तो इस तरह से वो कितनी बार साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकेंड में, ये उस प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड होगा। तो आज के जो प्रोसेसर है वो जनरली करीब 10 करोड़ या 20 करोड़ बार साइकल्स कंप्लीट करते हैं, 2 GHz 3 GHz के प्रोसेसर उतने लगभग के। लेकिन जब शुरू में आया था प्रोसेसर तो वो उस समय 1 बार 2 बार 100 बार 1000 बार, यानी 1 KHz, फिर MHz आया 10 लाख बार, फिर आया GHz 10 करोड़ 100 1 करोड़ बार। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसकी स्पीड को। तो यहाँ पर सिंपल आपको ये समझना है कि जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगा उतना ज़्यादा आपके CPU का, आपके जो प्रोसेसर उसका परफॉर्मेंस होगा। तो ओवरक्लॉकिंग में हम यही करते हैं कि ये जो क्लॉक स्पीड है उस क्लॉक स्पीड को हम इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पा सकें। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोसेसर 2 GHz पर काम करने के लिए बनाया गया है तो अगर हम उसे ओवरक्लॉक करेंगे तो हम उसे 2.3 GHz 2.4 2.5 GHz पर चला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्लॉक स्पीड ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जो कि किसी भी CPU के परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि CPU के परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक कैलकुलेटर को अगर ओवरक्लॉक करें तो आप उस कैलकुलेटर पर GTA 5 गेम खेलने लगेंगे या फिर कोई वीडियो एडिटिंग करना पॉसिबल हो जाएगा। नहीं, उस कैलकुलेटर के परफॉर्मेंस को आप 10% 20% 25% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ आप नहीं कर सकते, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगी और बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये बात हो गई कि आखिर ये ओवरक्लॉकिंग होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको अपने PC, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन को ओवरक्लॉक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर तो ये समझ में आता है हमें कि हमें परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा 20% 25% तक, लेकिन इसके साथ साथ कई इसके कॉन्स भी हैं। जैसे कि अगर आप ओवरक्लॉकिंग करना शुरू करेंगे तो जितना ज़्यादा आप ओवरक्लॉक करेंगे अपने डिवाइस को, आपका जो डिवाइस है उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा। और इस अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए और अपने आपके डिवाइस को स्टेबल रखने के लिए जो आपका डिवाइस है वो खुद ब खुद या तो वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देगा या फिर आप मैनुअली वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे ताकि आपका डिवाइस सही तरीके से काम करे और उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है किसी भी डिवाइस में, जैसे आपके PC के मदरबोर्ड में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर आपके गेमिंग कंसोल में, तो उसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि पावर कंजम्पशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करने लगे और पूरा डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, और इसके साथ साथ और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए, वोल्टेज जब इंक्रीज़ करते हैं हम अपने डिवाइस में तो वोल्टेज इंक्रीज़ होने की वजह से उस डिवाइस के ख़राब होने का भी खतरा होता है, जल जाने का भी खतरा होता है। तो इसलिए बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ओवरक्लॉक डिवाइसेस पर सपोर्ट नहीं देते हैं, वो उस पर वारंटी गारंटी नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन को ओवरक्लॉक किया और अगर बाद में आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब होता है तो आपकी जो कंपनी है वो आपको वारंटी गारंटी प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो ये बात होगी कि आपको ओवरक्लॉक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या प्रोज है कि आपको परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ देखने को मिलता है
और यहाँ पर कौन से, कि आपको जो है वो डिवाइस के ख़राब होने का खतरा होता है। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आपका डिवाइस गर्म होता है, अगर आप पीसी की बात करें तो पीसी में आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं कूलिंग सिस्टम्स को, जैसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में अपने पीसी में आप फैंस यूज़ कर सकते हैं या फिर वाटर कूलर्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हाई लेवल के ओवरक्लॉकिंग करें, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो आप उसमें सब जीरो कूलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपने पीसी को ठंडा करने के लिए, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि आप ओवरक्लॉकिंग कैसे कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसमें आप सिंपली बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिनको डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मैं पीसी की बात करूं तो पीसी में यहां पर मैंने बताने वाला कैसे करते हैं, क्योंकि अगर पीसी की बात करें तो आपको स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे इंटरनेट पर सर्च करने पर, आपको गूगल में भी पोस्ट मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, और यूट्यूब पर आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे वीडियो के साथ, तो उनको देखकर आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपने डिवाइस को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं। तो जनरली यहाँ पर ये बात आ जाती है कि आप ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रोसेसर को उठाकर ओवरक्लॉक कर सकते हैं, आप करने के लिए कर सकते हैं लेकिन वो प्रोसेसर तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, वो प्रोसेसर तुरंत ही जल जाएगा। तो जनरली इंटेल ने एक अलग कैटेगरी बनाकर रखा है जिन प्रोसेसर को ओवरक्लॉक किया जा सकता है, तो उसे पहचानना बहुत ही आसान है। जितने भी प्रोसेसर हैं उनके नाम में अगर अंत में के लगा हुआ है तो इसका मतलब है उस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेल 7700K, इंटेल 6600K, इंटेल 6900K, इन सभी प्रोसेसर्स को ओवरक्लॉक किया जा सकता है, और K का मतलब है कि वो अनक्लॉक्ड है, आप उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं, यानी जो उसकी क्लॉक स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो प्रोसेसर उसे झेल लेगा। लेकिन दूसरे प्रोसेसर को अगर आप ओवरक्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रोसेसर जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये पता कर लेना चाहिए कि आपका प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, और करेगा तो किस एक्सटेंड तक करेगा, उस हिसाब से ही आप ओवरक्लॉकिंग करें अगर आप करना चाहते हैं। तो ओवरक्लॉकिंग करने के लिए आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, आपको एंड्रॉयड स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे इंटरनेट पर सर्च करने पर। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे भी हमारे वीडियोज़ को देख सकें। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।